अगर आपका पेट किडनी डिजीज से सफर कर रहा है एंड उसकी ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रही है, या फिर आपका जो पेट है वो किडनी डिजीज से रिसेंटली रिकवर हुआ है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अनिरुद्ध मित्तल और आज हम इस वीडियो में किडनी डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किडनी डिजीज कितने तरह की होती है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका पेट जो है वो किडनी डिजीज से सफर कर रहा है, उसके लिए हम क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं, एंड जो ब्लड टेस्ट करते हैं वो हम क्यों करते हैं एंड उसका क्या पर्पस होता है। दी वेरी फर्स्ट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए दैट इज़ कि किडनी फेलियर को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं। वैसे तो बहुत सारे क्लासीफिकेशन हैं बट जो सबसे बेसिक और जो सबसे कॉमन जो आपको पता होनी चाहिए वो होती है एक्यूट रीनल फेलियर और क्रॉनिक रीनल फेलियर। अब इसका मतलब क्या है? एक्यूट मीन्स जिसको हुए को थोड़ा कम टाइम हुआ है, रीनल मीन्स किडनी, फेलियर मीन्स खराब होना। जब किडनी को खराब हुए को थोड़ा टाइम हुआ है उसको हम बोलते हैं एक्यूट रीनल फेलियर। उसके उल्टा जो क्रॉनिक रीनल फेलियर मीन्स, क्रॉनिक का मतलब होता है जिसको टाइम हो चुका है, रीनल मीन्स किडनी एंड फेलियर मीन्स खराब होना। जब किडनी को खराब हुए को काफी टाइम हो चुका होता है उसको हम बोलते हैं क्रॉनिक रीनल फेलियर। अब टाइम जो है इसके अंदर बहुत क्रूशियल होता है किडनी फेलियर के अंदर। अभी टाइम क्या है, रफली ऑन एन एवरेज हम हफ्ते से 10 दिन कहते हैं। जब किडनी को खराब हुए को हफ्ते से 10 दिन हुआ है उसको हम क्लासिफाई कर देते हैं एक्यूट रीनल फेलियर के अंदर, और जब किडनी को खराब हुए को हफ्ते से 10 दिन के से ज्यादा होना स्टार्ट हो जाता है उसको हम क्लासिफाई कर देते हैं क्रॉनिक रीनल फेलियर के अंदर। अब टाइम इसलिए इंपॉर्टेंट है किडनी के अंदर क्योंकि जब किडनी खराब होना स्टार्ट होती है वो शुरुआत तो एक्यूट से ही होती है बट ग्रेजुअली वो क्रॉनिक की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाती है। अब क्रॉनिक किडनी की तरफ जब वो शिफ्ट होती है उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि जो किडनी के अंदर चेंजेस आते हैं, जो किडनी के अंदर सेल्स खराब होना शुरू हो जाते हैं वो परमानेंटली खराब होना शुरू हो जाते हैं। मतलब उस जितने सेल्स वो खराब हो गए क्रॉनिक के अंदर वो सेल्स जब कभी ठीक ही नहीं हो पाएंगे, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। इसीलिए किडनी फेलियर के अंदर जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाते हो उतना जल्दी ही आपके पेट की रिकवरी के चांस भी अच्छे हैं, जितना आप डिले करते जाते हैं उतना आपके पेट की रिकवरी के चांस भी कम रहते हैं। किडनी फेलियर बहुत तरीके से होता है, जैसे सबसे कॉमनली होता है टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी क्या होता है कि जब आपके पेट कोई टॉक्सिन खा ले एंड उसकी वजह से उसके ब्लड के अंदर टॉक्सिसिटी या टॉक्सिन लेवल्स बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे कॉमन क्या चीज़ें होती हैं, जैसे हाउस होल्ड क्लीनर्स होते हैं। हाउस होल्ड क्लीनर्स मतलब जो घर में आप सफाई करने के लिए कुछ जो लिक्विड्स वो सब चीज़ें यूज़ करते हो वो अगर आपका पेट खा ले उसकी वजह से किडनी फेलियर हो सकता है, या फिर सर्टेन पॉइजनस प्लांट्स हो सकते हैं जो आपका पेट खा लेता है, कोई जैसे घर में प्लांट्स लगे होते हैं वो आपके पेट ने खा लिए उसकी वजह से किडनी फेलियर हो सकता है, या सर्टेन कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जिसकी ओवर डोजेज की वजह से भी किडनी फेलियर होता है। इसी वजह से मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप कभी भी अपने पेट को खुद ब खुद ट्रीटमेंट ना कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप ओवर डोजेज कर रहे हो एंड उसकी वजह से आपका जो पेट है उसकी किडनीज खराब हो जाए। अब ये तो हो गए कुछ टॉक्सिसिटी के कारण, इसके अलावा कुछ इन्फेक्शियस रीजंस भी होते हैं जिसकी वजह से किडनी फेलियर होता है, जैसे कि कुछ बैक्टीरियल या कुछ वायरल इन्फेक्शन होती हैं जिसकी वजह से किडनीज खराब होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसके अलावा स्नेक बाइट की वजह से होता है, या फिर कभी कभार क्या होता है कि आप अपने पेट को ग्रेप्स एंड ग्रेजन्स खिलाते हैं, अंगूर या किशमिश होगी वो खिलाते हो उसकी वजह से किडनी फेलियर होता है। तो ये कुछ सब कारण हैं जिसकी वजह से किडनी फेलियर हो सकता है, इसी की वजह से किडनी फेलियर होना स्टार्ट होता है एंड जब हम उसकी टाइमली ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट करवाते हैं वो धीरे धीरे करके क्रॉनिक की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्रॉनिक किडनी फेलियर अगर आपका पेट शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम एक्यूट टू क्रॉनिक तो उसके किडनी के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो परमानेंट चेंजेस आ रहे हैं। तो प्लीज़ जब भी आपका पेट कभी बीमार होता है तो जितना जल्दी आप एक्ट करते हैं उतना हम जल्दी उसको ट्रीट कर सकते हैं। आपको पता कैसे चलेगा कि आपका जो पेट है वो रीनल फेलियर से गुजर रहा है या उसको रीनल फेलियर हो रहा है? तो देयर आर सर्टेन सिम्टम्स, कुछ एक ऐसे साइंस होते हैं जो आपका पेट शो करता है। ऑल्दो बहुत ही जनरलाइज्ड साइन होते हैं, आप श्योर नहीं कह सकते हो कि ये साइंस आ रहे हैं तो इसकी वजह से मतलब है वो रीनल फेलियर ही है, बट इनमें से कुछ साइंस आ सकते हैं। सबसे पहला साइन जो आपका पेट शो करता है वो है कि खाना पीना वो कम कर देता है या कम्प्लीटली बंद कर देता है। तो ये सबसे पहला जो साइन होगा वो यही होगा कि आपका पेट ये साइंस दिखा रहा है। उसके बाद क्या हो सकता है कि आपका पेट जो है वो उल्टियाँ कर सकता है। रीनल फेलियर के अंदर क्या होता है कि क्योंकि किडनीज कब काम नहीं कर रही हैं जिसकी वजह से जो कुछ इम्प्योरिटीज जो किडनीज बॉडी से बाहर फेंकती थी, कुछ एक्सक्रीट करती थी, अब वो एक्सक्रीट नहीं कर पा रही है जिसकी वजह से वो ब्लड के अंदर बढ़ रहे हैं एंड वही इम्प्योरिटीज के बढ़ने की वजह से आपके पेट को बार बार वोमिशन आती हैं। तो इस वजह से वोमिशन आ गई, डिहाइड्रेशन होनी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि अगर उल्टियाँ बार बार कर रहा है तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन भी होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये तो कुछ हो गए जनरलाइज्ड सिम्टम्स। अब एक्यूट केसेस के अंदर क्या होगा, जो किडनीज खराब होने हुए को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो आपका पेट है वो जो बाथरूम करता है वो बाथरूम की क्वांटिटी बहुत कम करता है, बाथरूम मतलब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा करेगा,
तो ये भी वन ऑफ दी साइंस हो सकता है कि आपके पेट की किडनी खराब होनी शुरू हुई है क्रोनिक के अंदर। जब यही चीज क्रोनिक के अंदर शिफ्ट होनी स्टार्ट होती है तो ये चीज इसमें शिफ्ट होती है कि आपका पेट जो है बहुत ज्यादा पानी पीना स्टार्ट कर देता है एंड बहुत ज्यादा बाथरूम भी करता है। तो ये जो चीजें हैं ये क्रोनिक की तरफ शिफ्ट हो गई हैं, तो ये इंडिकेट करती हैं। और क्रोनिक के अंदर एक और चीज आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, हैलिटोसिस की, मतलब आपके पेट के मुंह के अंदर छाले मतलब जख्म होने स्टार्ट हो गए हैं, अल्सर्स होने स्टार्ट हो गए हैं एंड उनसे फिर स्मेल भी आनी स्टार्ट हो गई है। तो ये भी कुछ साइंस है जो आप क्रोनिक रेनल फेलियर के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हो। तो इन चीजों में से अगर कुछ भी आपका पेट शो कर रहा है देन इट इज अ कॉल कि आपको अपने नजदीकी वेटनेरियन के पास जाना है एंड उसको अपने पेट को चेक करवाना है, या कभी अगर आप नहीं लेके जा सकते हो तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से www.pupkit.com पर जाकर अपने लिए ऑनलाइन कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो। जब आप अपना पेट किसी वेटनेरियन के पास लेकर जाते हो कोई भी ऊपर जो भी मैंने आपको रिसेंटली सिम्टम्स बताए थे उसके लिए, तो वो सर्टेन कुछ टेस्ट्स करते हैं आपके पेट को, आपके पेट की डायग्नोसिस के लिए। तो रीनल के लिए जो हम मेनली टेस्ट्स यूज करते हैं दैट इज बायोकेमिस्ट्री, जिसके अंदर हम क्रिएटिनिन एंड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ये दो BUN आप उसकी रिपोर्ट्स में ऑब्जर्व करते होंगे, तो ये चीज़ें हम करते हैं। अब इनका मतलब क्या होता है, जब आपका पेट कोई भी प्रोटीन इंटेक कर रहा है, मतलब आपका पेट डाइट के अंदर प्रोटीन खा रहा है, तो वो जो प्रोटीन होता है वो लीवर में जाकर ब्रेक डाउन होती है ब्लड यूरिया के अंदर। अब वो जो ब्लड यूरिया है वो किडनीज में जाता है, किडनीज उसको बॉडी से बाहर निकालती है थ्रू यूरिन, ये होता है नॉर्मल प्रोसीजर। अब जब यूरिन जब किडनीज खराब है तो क्या होगा कि वो किडनी से बॉडी से उसको निकाल नहीं पाएगी, जिसकी वजह से ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है वो ब्लड के अंदर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको पता चलता है, वही चीज़ हमको ब्लड में नजर आती है। ये तो हो गया ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। एक और चीज़ हम डेफिनेटली करवाते हैं दैट इज क्रिएटिनिन। अब क्रिएटिनिन क्या होता है, क्रिएटिनिन बेसिकली मसल्स की ब्रेकडाउन, मतलब जो आपके पेट की जो मसल्स हैं उसकी ब्रेकडाउन से बनता है, जो रूटीन लेवल पर बनता है और रूटीनली किडनीज के थ्रू एक्सक्रीट भी होता है। अब जब किडनीज खराब हैं वो एक्सक्रीट नहीं कर पा रही, उसको बॉडी से बाहर नहीं फेंक पा रही, तो वो ब्लड में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम ब्लड की जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं उसमें देख सकते हैं। ये तो कुछ ब्लड टेस्ट्स हो गए, इसके अलावा अल्ट्रासाउंड भी बहुत जरूरी हो जाता है एक्यूट और क्रोनिक को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, क्योंकि एक्यूट रिनल फेलियर के अंदर हम ऑब्जर्व कर पाते हैं कि किडनीज का जो साइज है वो या तो नॉर्मल रहेगा या नॉर्मल से स्लाइटली एनलार्ज्ड हो सकता है। यही जब वो क्रोनिक के अंदर शिफ्ट होना स्टार्ट होता है तो किडनीज का जो साइज है वो धीरे धीरे करके किडनी श्रिंक होनी स्टार्ट हो जाती है, उसका साइज थोड़ा छोटा होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि हम अल्ट्रासाउंड की हेल्प से देख सकते हैं। और अल्ट्रासाउंड की हेल्प से और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बट यही चीजें हैं जो आपको मेजरली पता होनी चाहिए। जब आप अपने पेट की ट्रीटमेंट करवाते हो रीनल फेलियर के लिए तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये पता लगाना जरूरी होता है हमारे लिए कि जो रीनल फेलियर हो रहा है उसका एग्जैक्ट कारण क्या है, ताकि हम उस कारण के लिए उसको ट्रीट कर सके। लेकिन अगर एक ओवरऑल एक जनरलाइज ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो अगर इन्फेक्शियस रीजन है तो हम एंटीबायोटिक्स का कोर्स देते हैं, उसके अलावा कुछ डायोरेटिक्स होते हैं। डायोरेटिक्स क्या होते हैं, जो कि हम कुछ एक मेडिसिन बॉडी में देते हैं, क्योंकि किडनीज खुद ब खुद यूरिन को मतलब ब्लड को फिल्टर नहीं कर पा रही है, ब्लड में से इंप्यूरिटीज को बाहर नहीं फेंक पा रही है, तो कुछ मेडिसिन होती हैं जो कि ये हेल्प किडनी की मदद से करती है, तो वो मेडिसिन को डायोरेटिक्स बोलते हैं, वो मेडिसिन हम रीनल फेलियर के अंदर देते हैं। इसके अलावा एक सपोर्टिव थेरेपी होती है, कुछ मल्टीविटामिन्स होते हैं, फ्रूट थेरेपी होती है, वो सब चीज़ें भी हम देते हैं। तो ये सब चीज़ें हम एक जनरलाइज्ड वे में करते तो हैं, बट एग्जैक्टली हमको ये पता करना ज़रूरी होता है कि किडनी जो खराब हो रही है उसका एग्जैक्ट कारण क्या है, ताकि हम एग्जैक्ट कारण को ट्रीट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर, एंड अगर आपके मन में आपके पेट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो एक वन लाइनर में या कमेंट सेक्शन में आंसर करने बहुत डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि हिस्ट्री सफिशियंट नहीं होती है। तो ऐसे केसेस के अंदर आप हमारे से ऑनलाइन कंसल्टेशंस बुक कर सकते हो हमारी वेबसाइट पर जाकर, जो कि है www.pupkit.com।